अगर वो मनाती तो पापा भी मान जाते, लेकिन उसका दिल नहीं माना। एक तरफ स्प्लेंडर वाला लौंडा था जो सिर्फ उससे मोहब्बत करता था, और दूसरी तरफ ओडी वाला। जब गाड़ी पे चूड़ी हो तो लड़की कंगन पहनने को भी तैयार हो जाती है, और हर लव स्टोरी के अंदर विलन बाप नहीं होता। ज्यादा पैसे देख के लॉयल गर्लफ्रेंड भी बेवफा हो जाती है। हेलो अमेरा। हाय रोहित। क्या हुआ अमेरा, कोई प्रॉब्लम है क्या? यार रोहित, कल मुझे ना एक पार्टी में जाना है, और मेरे पास ना कोई अच्छी ड्रेस ही नहीं है पहनने को, और ना ही मेरे पास पैसे हैं जो मैं एक ड्रेस ले सकूं। यार अमेरा, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, तो मैं काम करो, अभी उसी ड्रेस से काम चलाओ, नेक्स्ट मंथ में तुम्हें न्यू ड्रेस दिला दूंगा। यार रोहित, तुमसे तो कोई उम्मीद रखना है ना वो भी एकदम बेकार है। एक तुम हो और एक मेरे फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड है, रोज उन पे वो लोग खर्चा करते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, उनको रेस्टोरेंट लेके जाते हैं, पता नहीं क्या क्या शॉपिंग करवाते रहते हैं। और तुम तो छोड़ ही दो यार, शॉपिंग तो बहुत दूर की बात है, तुम तो मुझे कहीं जाके चाय भी नहीं पिलाते हो। यार अमेरा, तुम्हें तो पता ही है कि मैं बाप के पैसों पर नहीं चलता हूँ, जो भी करता हूँ खुद के दम पे करता हूँ। और तुम देखना, तुम्हें ना एक दिन मैं रानी बना के रखूंगा। क्या कहा, रानी बना के रखोगे? ये तो कभी नहीं होने वाला रोहित, समझे? और मैं नहीं जानती यार, मुझे पैसे दो, मुझे ड्रेस लेनी है, बस बहुत हुआ। यार अमेरा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन हाँ, जिस होटल में मैं काम करता हूँ ना, वहाँ के मालिक से लेके मैं तुम्हें सुबह दे दूंगा। और वैसे भी कल शाम को तुमको पार्टी में जाना होगा, दोपहर तक ड्रेस ले लेना कल। यार ये तो ना हमेशा का है तुम्हारा, मैं कुछ नहीं जानती, अगर मुझे कल पैसे नहीं मिले तो हमारा ब्रेकअप कंफर्म है, समझ गए ना? अच्छा ठीक है बाबा, तुम गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें कल पैसे दे दूंगा, ठीक है? अच्छा बैठो, चलो कुछ खाने चलते हैं। आसु भाई। हाँ भाई, क्या हुआ? यार थोड़े पैसे हो तो दे दे यार, कल मैं तुझे वापस कर दूंगा। अरे यार रोहित भाई, तुझे तो पता है मेरी गर्लफ्रेंड ना हमेशा तो शॉपिंग के लिए बोलती है, और कल ही मैं उसे शॉपिंग करा के लाया, मेरे सारे पैसे जितने थे सब खर्च हो गए। तू एक काम कर, मालिक के पास जा, वो कार के सामने खड़े हुए हैं, उनसे पैसे ले लो, वो तुझे दे देंगे। ठीक है भाई, मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है भाई। अरे अपने भाई को हल्के में लिया है क्या? अभी तो रेस्टोरेंट खोला है ईमानदार चाय वाले के नाम से, दो और रेस्टोरेंट खोलने हैं मुझे। मालिक। एक मिनट। हाँ बताओ क्या हुआ? मालिक, वो छोटे भाई की कॉलेज की फीस भरनी थी, इसलिए मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। तू ये बता, एक महीने में कितनी बार पैसा लेगा तू? ऑलरेडी इतना पैसा तू मुझसे ले चुका है, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, जाके अपना काम कर। मालिक ऐसा मत बोलिए, अगर मेरे छोटे भाई की कॉलेज की फीस नहीं भरी गई ना तो कॉलेज वाले उसे निकाल देंगे। चल ठीक है। ये पकड़ पैसे, और सुन, इस महीने ना मुझसे पैसे की उम्मीद मत रखना, तुझे एक रुपया भी नहीं मिलेगा इस महीने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अच्छा मैं चलता हूँ। ये लो मेरा, इस महीने ना अब मेरे से एक भी रुपया मत मांगना।
थैंक यू सो मच रोहित, यू आर बेस्ट। हमारा, मैं ये कह रहा था, हमारा यार, ये क्या नोटिफिकेशन है? मेरा तो 2 दिन में रिचार्ज भी खत्म होने वाला है। इससे पहले मेरी कॉलिंग बंद हो जाए ना, मैं रोहित को कॉल ही कर देती हूँ। अरे यार, इस बाइक को भी अभी बंद होना था। अगर टाइम से डिलीवरी नहीं किया तो पैसा काट लेगा मालिक। हेलो हेलो रोहित, कहाँ हूँ? अरे मैं तो दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा हूँ यार। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो। मेरा ना फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो रहा है, तो तुम इस बार ना समथिंग 500 के अबव वाला ही रिचार्ज करना, ठीक है? यार हमारा इस टाइम ना यार पैसे की थोड़ी दिक्कत चल रही है। पैसे नहीं है मतलब? यार मैं रिचार्ज अपने लिए थोड़ी ना करवा रही हूँ, तुमसे ही तो बात करती हूँ, तो तुमसे ही तो बात करूँगी, तुम्हारे लिए तो करवा रही हूँ रिचार्ज। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है ओके। यार किससे पैसे मांगूँ? अगर मालिक से पैसे मांगा तो पिछली बार की तरह फिर से सुनाएंगे। एक काम करता हूँ, आंसू को कॉल करता हूँ। रोहित कॉल कर रहा है। हाँ रोहित भाई, क्या हुआ? हेलो आंसू भाई, यार तेरे अकाउंट में 400-500 रुपये पड़े होंगे क्या? हो तो यार थोड़ा भेज दे यार, थोड़ा गर्लफ्रेंड के मोबाइल में रिचार्ज कराना है यार। तुझे तो पता ही है अभी सैलरी नहीं मिली मुझे। अरे यार भाई, सुबह ही तो अभी गर्लफ्रेंड के फ़ोन में 499 का रिचार्ज किया है। यार मेरे पास 1 रुपया नहीं है इस टाइम। भाई तू एक काम कर, मालिक से जाके ले ले, वो तुम्हें दे देंगे। यार मालिक से फिर मांगूंगा, मालिक फिर सुनाएंगे यार। ठीक है भाई, मैं रखता हूँ। बाइक को भी अभी खराब होना, साला स्टार्ट हो जाए यार। मालिक, अब क्या हुआ? मालिक वो मेरे माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए 700 रुपये की जरूरत थी। अगर आप 700 रुपये दे देते तो मैं माँ की दवा ले आता मालिक। अच्छा तुझे फिर पैसे चाहिए? कल दिया था ना पैसे, और मैंने कहा था इस महीने मुझसे उम्मीद मत करना पैसे के लिए। चल जाके काम कर, 1 भी रुपये नहीं मिलेंगे तुझे। मालिक देख लीजिए ना, 700 की ही तो बात है। अबे ये रेस्टोरेंट है कि धर्मशाला? जब तू आएगा पैसे मांगेगा, कभी माँ बीमार है, कभी भाई की फीस जमा करनी है। चल 1 रुपये भी नहीं मिलेगा, जाके काम कर। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं साले। कहां रह गया यार ये, कब से वेट करवा रहा है मुझे। एक तो उसने मेरे फोन में रिचार्ज भी नहीं किया, कॉल भी कैसे करूं मैं इसे। आने दो इसे, फिर बताती हूँ। रोहित कहाँ रह गए थे तुम? मैंने तुमसे बोला था ना कि मेरे फोन में रिचार्ज करवा दो। अरे 3 महीने वाला छोड़ो, तुम तो 1 महीने वाला भी नहीं करवा पाए। तुम्हारी ना यही आदत है, मैं जब भी तुमसे कुछ कहती हूँ, कोई डिमांड रखती हूँ, शॉपिंग, मूवी, रेस्टोरेंट या समथिंग एल्स, बस तुम ऐसे मोल लटका के चले आते हो, हाथ हिलाते हिलाते। मैं ना परेशान हो गई यार। परेशान तो मैं तुमसे हो गया हूँ, तुम्हारी फरमाइशें पूरी करते करते। कभी ड्रेस दिला दो, कभी शॉपिंग करा दो, कभी रिचार्ज करा दो, क्या है ये यार? तुम्हारे 1 महीने खर्चे में ना मेरा पूरा साल गुजर जाएगा। मेरी सैलरी 10,000 रुपये है यार, और 10,000 में मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करूँ?
तुम मुझे ये चीज पहले बताते ना तो मैं तुम ऐसा रिलेशनशिप में कभी नहीं आती। अच्छा तो मेरे पास पैसा होगा तभी तुम मुझसे प्यार करोगी। अरे तू इतना हैरान क्यों हो रहे हो रोहित? अरे लड़कियां ना बॉयफ्रेंड इसीलिए बनाती हैं ताकि वो उनके पैसों पर ना घूम सके, मूवी देख सके, शॉपिंग कर सके, अय्याशी कर सके, और क्या। और वैसे भी तुमसे ना खड़े होकर बात करना ही बेकार है। मैं जा रही हूँ, अब मुझे रोकने की ना कोशिश बिल्कुल मत करना। यार हमारे मेरी बात तो सुनो। हाथ छोड़ो यार प्लीज, तुम ना गवार हो, गवार के गवारी रहोगे, बस यही फुटपाथ पे चलते रहोगे, ना कोई गाड़ी, ना कोई बैंक बैलेंस, नथिंग, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, गरीब पे गरीब ही रहोगे तुम, समझे? और आज के बाद अब मेरा पीछा बिल्कुल मत करना, नहीं तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। लव्स कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताब। क्या यार क्या दिन आ गए हैं, अब यहाँ पे बैठकर 20 रुपए की चाय पीनी पड़ रही है। और एक मेरे फ्रेंड्स को देख लो यार, उनके बॉयफ्रेंड्स कितने अमीर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाते हैं, मूवीज दिखाते हैं, रोज शॉपिंग करवाते हैं, पार्टीज और पता नहीं क्या क्या। और एक मैं हूँ, अरे बॉयफ्रेंड तो छोड़ो, मेरे तो फ़ोन में रिचार्ज भी नहीं है। क्या दिन आ गए हमारा, कुछ तो करना पड़ेगा, कोई मुर्गा तो फंसाना ही पड़ेगा, नहीं तो इतनी अच्छा फिगर और इतनी सुंदर होने का फायदा ही क्या है यार। चलो फिलहाल इस चाय से ही काम चलाती हूँ, वो तो मुझे पता है कि मैं कोई ना कोई तो फंसा ही लूंगी। चलो फिलहाल चाय पीती हूँ। मैम बताएं, कैन यू प्लीज ड्रॉप मी, वो एक्चुअली मैंने ना कैब बुक की थी और वो ना कैंसिल हो गई है और दूसरी कैब ना बुक भी नहीं हो रही है और मुझे बहुत अर्जेंट है आगे जाना, प्लीज हेल्प मी। हाँ जी बिल्कुल, मैं तो उसी साइड जा रहा था, मैं आपको भी छोड़ दूंगा, ऐसे आप इतनी हॉट भी तो हैं, आइए बिल्कुल बैठिए। By the way, मेरा नाम रुद्र है और आपका नाम क्या है? हमायरा। ओह नाइस नेम। थैंक यू। वैसे क्या करते हैं आप? नथिंग जस्ट पढ़ाई और जॉब। वैसे आप इतनी खूबसूरत हैं और हॉट भी हैं तो बॉयफ्रेंड तो होगा ना? अनफॉर्चुनेटली आई एम सिंगल यार, बॉयफ्रेंड नहीं है। देख के लगता नहीं है, मुझे लगा आपको बॉयफ्रेंड होगा कोई। नहीं नहीं मैं सिंगल हूं। और आप? क्या लगता है आपको? आई डोंट नो, यू टेल मी। नहीं कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है, मैं तो अपने बिजनेस करता हूँ इसकी वजह से थोड़ा बिजी रहता हूँ, तो ये सब चीज में कभी मन ही नहीं लगा मेरा। ओके बिजनेस, कैसा बिजनेस? मेरा रेस्टोरेंट है। ओके ग्रेट, बस आगे जाके ना लेफ्ट। ओके ओके आगे। If you don't mind, can you please give me your contact number? जी बिल्कुल, नोट करिए। Thank you so much. Welcome. Okay, bye. ये हुई ना बात हमारा, अब तो नया मुर्गा फंस गया, वो भी कार और बड़े रेस्टोरेंट वाला।
ये हुई ना बात, अब तो रोज शॉपिंग, रोज खाना, रोज मूवी। जो कहना है कहना पाते हैं, लफ्ज होठों पे रह जाते हैं। ये राज कहना मुश्किल है, अल्फाज कहना मुश्किल है, तुम्हें कितना प्यार करते हैं बेबाक कहना मुश्किल है। ओ कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना। कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा। बस तू देख। हमारा कैसा लगा मेरा रेस्टोरेंट? लिटरली बहुत अच्छा है। एक मिनट हमारा, एक मिनट बैठो मैं आता हूँ। तेरी बात को है सुने दिल मेरा और सुनता नहीं ये किसी और को, तेरा हो गया जो मेरा दिल है बिन तेरे रहना। क्यों बे इतना लेट क्यों हो गया? ये टेबल कौन साफ करेगा? मालिक वो बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था इसलिए लेट हो गया। चल ठीक है, जल्दी से टेबल साफ कर, बैठो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके। हेलो, क्या ये सभा? तुम मेरे मालिक साथ क्या कर रही हो? तुम मुझसे ना तमीज से बात करो। तुम जिसे मालिक बोल रहे हो ना वो मेरा होने वाला पति और तुम मेरे नौकर, समझे? अच्छा, तूने अपनी अय्याशी करने के लिए मेरे मालिक को फांस लिया? मेरा हाथ छोड़ो रोहित। क्या? मेरा हाथ छोड़ो। साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को टच करने की? यहाँ से निकल जा, ये अपनी गंदी शक्ल ना मुझे दोबारा मत दिखाना वरना पुलिस को बुला के इतना मरवाऊंगा ना तुझे। मालिक मेरी बात सुनिए, आप जैसे समझ रहे हैं ना वैसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत गिरी हुई लड़की है। साले मेरी गर्लफ्रेंड को गिरा हुआ बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? निकल साले यहाँ से निकल। मालिक, मालिक मेरी बात तो सुनिए। मालिक, मालिक कुछ नहीं, मालिक जैसा समझ रहे वैसा कुछ नहीं है। मालिक, साले मालिक मेरी बात तो सुनिए। मालिक दफा हो जा, दोबारा यहाँ नजर ना आना, पुलिस को बुलवा के ना इतना मरवाऊंगा ना, निकल। महरा मुझे पता है तुम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, उसकी बातों को माइंड मत करो, तुम बैठो। अरे रोहित आओ बैठो बैठो। यार लाइफ में इतने बुरे दिन आएंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। अदर्स भाई जो मेरी गर्लफ्रेंड थी ना उसने मुझे छोड़ दिया यार, मेरी गरीबी को देख के, और जिस रेस्टोरेंट में मैं काम करता था उसके मालिक ने भी मुझे निकाल दिया। अब मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चल कोई बात नहीं भाई, परेशान मत हो, वैसे भी भगवान जो भी करता है कुछ सोच समझ के ही करता है, और मेरे पास तेरे लिए दो काम है। दो काम भाई? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। दो काम से मतलब है कि पहला काम ये है कि मेरे एक फ्रेंड है, उनका एक नया जिम ओपन हुआ है, वहाँ पे उन्हें एक ट्रेनर की ज़रूरत है, और वैसे भी तेरी बॉडी अच्छी खासी है तो तू वहाँ पे ट्रेनर का जॉब कर सकता है, और वो पूरे 15,000 देंगे। भाई ये बात समझ में आ गया, दूसरा काम कौन सा है? और दूसरा काम मैं ये सोच रहा था क्यों ना हम लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम स्टार्ट करें। देख तेरे पास अच्छी नॉलेज है और मेरे पास बहुत सारी ज़मीन, तो मिल के काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, फिर कल से काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है।
कल ही मैं तुम्हें जिम के ओनर से मिलवा दूंगा। ठीक है। क्या बात है रोध, तुम मेरा कॉल क्यों कट कर रहे हो बार-बार? यार हमारा तुम यहाँ से प्लीज जाओ, मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इतनी ज्यादा टेंशन में हो? यार हमारा इसी मार्केट में किसी ने नया रेस्टोरेंट डाला है जिसकी वजह से यहाँ के सारे कस्टमर वहाँ जा रहे हैं और यहाँ कोई नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ का रेंट भी नहीं निकल पा रहा है और हमारा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेरी गलती थी जो मैंने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाया, तुम्हारे साथ ना मेरी भी लाइफ खराब हो जाएगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे हमारा मेरी बात तो सुनो, हमारा कहाँ जा रही हो? रोहित तुम? रोहित तुम यहाँ और ये कपड़े ये सब क्या है? जिस तरह इसने मुझे पैसों के लिए छोड़ा उसी तरह आज ये आपको पैसों के लिए छोड़ रही है। मैंने तो आपको पहले ही बोला था लेकिन आपने मेरी बातों का भरोसा नहीं किया। खैर मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं, मैं तो आपको यहाँ लड्डू खिलाने आया हूँ, ये लीजिए। रोहित ये लड्डू किस लिए? मैंने इस मार्केट में एक और नया रेस्टोरेंट ओपन किया है तो शायद आपको ये रेस्टोरेंट बंद कर देना चाहिए। रोहित मुझे माफ़ कर देना, मैंने जो भी तुम्हारे साथ गलत किया। आपको मैं माफ़ करता हूँ क्योंकि आपने मेरे बुरे वक्त में इस होटल में काम दिया था और मेरे न्यू रेस्टोरेंट में जो मार्केट का प्राइस चल रहा उसी प्राइस में लोगों को फैसिलिटी दूंगा, लेकिन मैं इस लड़की को नहीं माफ़ कर सकता। रोहित तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये तो माफ़ी के लायक भी नहीं है। हमारा प्यार दिल से होता है, पैसों से नहीं, इसलिए आज के बाद किसी से भी प्यार करना ना तो उसके दिल से प्यार करना, उसके बैकग्राउंड उसके पैसों से नहीं। ये लड्डू, चलता हूँ मैं। तो हमारा जी आप मेरे दिल और दिमाग से तो निकल चुकी हो, तो मेरे रेस्टोरेंट से भी निकल जाइए प्लीज़, जा सकती हैं अब आप।